हिमाचल प्रदेश से रायपुर लौटे भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार से जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ईडी और आईटी के जरिए अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि हिमाचल में चुनी हुई सरकार को गिराने की बीजेपी ने कोशिश की। केंद्र की एजेंसियों का सहारा लेकर बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा, डबल इंजन की सरकार है, तभी तक के 18 लाख जो आवास गरीबों को देना था अभी तक के क्यों नहीं दिए? केवल विज्ञापन में दे रहे हैं 18 लाख आवास, उसके लिए केंद्र सरकार से कितना पैसा आया है ये बता दें। दूसरी बात ये है कि मैं शुरू कर रहा हूँ, कोयले की जो रॉयल्टी है 4100 करोड़ वो लिया है डबल इंजन की सरकार है। जो अंतर की राशि है सेंट्रल एक्साइज की, वो उसके जो हिस्सा मिलना था छत्तीसगढ़ को वो आ चुका है, ये बताएं। और आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बोनस पर प्रतिबंध लगाया था 2014 में मोदी सरकार ने, वो प्रतिबंध हट गया है क्या? क्या देश के अन्य राज्य के और अन्य राज्य की सरकारें बोनस दे सकती है? जैसे छत्तीसगढ़ में दिया गया।